कि जब एनडीए की हुकूमत थी तो सब कुछ अच्छा, और जब एनडीए की हुकूमत खत्म हो गई तो सब कुछ खराब। वो तो कह रहे हैं कि साहब अतत्य किया जा रहा है, अतत्य हो रहा है। यहाँ जब तक सरकार में थे ये लोग तो दूध के धुले हुए थे। यार बाबू कुंवर सिंह की धरती है, जहाँ अंग्रेजों को भी छक्के छुड़ाने का काम किया। ऐसे को हल्के में नहीं लेना है, ये जानना चाहिए था। इसलिए कि डेमोक्रेसी है, हम आ सकते हैं, श्याम रजक आ सकते हैं, गरीब आदमी का बेटा आ सकता है, कोई हल वाला भी जीत के आ सकता है, मगर जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तब कौन आएगा, तब कौन बोलने वाला होगा। इस पर सबसे बड़ी बात है और इस पर बहस होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इस पर बहस हो, राष्ट्रव्यापी बहस हो कि साहब इनके यहाँ जो है वो दूध के धुले, इनके यहाँ जो नहीं है वो सब बेकार। और शायद सवाल बार बार इसीलिए ये उठ रहे हैं क्योंकि इसके पहले जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो सीबीआई और ईडी इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी। जैसे ही सरकार पलटा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, लगता है राष्ट्रीय जनता दल को ही पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। भाई अब आपको हम बता रहे हैं ना कि आप खुद कह रहे हैं कि जब एनडीए की हुकूमत थी तो सब कुछ अच्छा, और जब एनडीए की हुकूमत खत्म हो गई तो सब कुछ खराब। और ये चीज, जो चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये आम लोगों से बिहार में जाके पूछिए कि उनकी राय क्या है। वो तो कह रहे हैं कि साहब अतत्य किया जा रहा है, अतत्य हो रहा है, और अतत्य कभी भी ठीक नहीं होता है। तो हम लोग अभी भी कहेंगे कि हम लोग कहते थे, जेपी ने भी एक बार कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब मनुष्य पे जो है विनाश छा जाता है ना, तो उसका विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है और ये सिर्फ सत्ता के लिए इतने में लोभी हो गए हैं कि सारा नियम कायदा तोड़ के और जो आचरण व्यवहार है उसको छोड़ करके घृणा, द्वेष, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति का करेक्टर एसेसिनेशन करने का काम कर रहे हैं। वही काम जो है, जब आप जांच के क्रम में हैं तो जांच के निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, और जांच के निष्कर्ष पे जब पहुंच जाते हैं आप, तब जो है इसमें किनका इन्वॉल्वमेंट है, किनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको आप जारी कीजिए। मगर आप जांच के क्रम में ही अगर किसी व्यक्ति का, जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, और आप उसका चरित्र हनन कर दे रहे हैं, बाद में फिर हम सफाई देते रहें, मगर जनता में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि साहब इनका है, इन्होंने किया। अब जो चल रहा है मीडिया में, चल रहा है फलाने में, चल रहा है, मगर जिनको, जिन लोगों के द्वारा ये चीज़ करवाई जा रही है, तो कौन नहीं जान रहा है कि आज सीबीआई कहाँ एक्टिव है, ईडी कहाँ एक्टिव है, इनकम एक्ट, इनकम टैक्स कहाँ एक्टिव है। तो मतलब कि इनके गुजरात के लोग दूध के धुले हुए हैं। यहाँ जब तक सरकार में थे ये लोग तो दूध के धुले हुए थे। इन दिनों आरजेडी नेताओं के घर जिस तरह से सीबीआई की छापेमारियाँ हुई हैं, क्या लगता है कि फ्लो टेस्ट होना था बिहार विधानसभा में और उसी दिन सीबीआई की टीम पहुंच गई आरजेडी के नेताओं के घर, कैसे देख रही है राष्ट्रीय जनता? देखिए, किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का चाल और चरित्र ये बताता है कि वो किस करेक्टर का, किस आचरण का, किस सोच का वो व्यक्ति है या वो संस्था है। सीबीआई संवैधानिक संस्था थी और वो एक निष्पक्ष पारदर्शी काम करती थी, लेकिन सीबीआई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना और अमित शाह के गृह मंत्री काल में, तब से सीबीआई ने सिर्फ पर्सनल टारगेट करके और भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ मिले, राजनीतिक सत्ता जहाँ जनता से अलग हो चुकी है वहाँ भी
अलग करके साजिश कर करके उस सत्ता को कैसे काबिज करें, ये सीबीआई का काम हो गया। सीबीआई अब संविधान के काम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में कोई विश्वास नहीं, बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ का बन कर करके वो काम कर रही है। और यही कारण है कि जब जिस दिन गठबंधन के फ्लोर पर टेस्ट होना था उसी दिन, ऐसे तो हम लोग को 15 दिन से मालूम था कि पहले से कई सीबीआई के अफसर सब आकर के होटलों में ठहर रहे थे, हमें जानकारी थी कि कुछ ना कुछ खेल होगा, लेकिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना है उस दिन इन लोगों ने प्लान करके ये सोचा कि अगर इस तरह से हरकम करेंगे तो लोगों में डर होगी, और डर होगी तो कुछ ना कुछ बीजेपी को लाभ हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि बिहार किस मिट्टी की है। बिहार बाबू कुंवर सिंह की धरती है, जहां अंग्रेजों को भी छक्के छुड़ाने का काम किया था। बिहार लोकनायक जयप्रकाश की अगुवाई में भी आज़ादी की लड़ाई, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। ये गांधी की धरती है, जहाँ चंपारण में जहाँ लोगों ने अंग्रेजों को दांत खट्टे करने का काम किया था। ऐसे को हल्के में नहीं लेना है, ये जानना चाहिए था, लेकिन वो ली और जिस तरह से की तो बिहारी लोग टिकाऊ है, मजबूत है, ये बात एहसास हो गया। प्रोटेस्ट में एक भी हमारा इधर से उधर नहीं हुआ, लेकिन वो जिस तरह से साजिश कर रही, देख लीजिए हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए, करेक्टर सम्मेलन करने के लिए उन्होंने एक मॉल का कह दिया कि वे मॉल तेजस्वी जी का है, जबकि तेजस्वी जी ने साफ कहा और उन्होंने दस्तावेज दिखाया कि वो मॉल